राज्य सरकार के नवरत्नों में शुमार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल इस वर्ष भी लाभ की स्थिति में है। पिटकुल ने राज्य सरकार को अपने लाभांश में से 11 करोड़ रुपए की धनराशि देने का फैसला किया है। इसके अलावा निगम अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले प्रोत्साहन राशि भी देगा। ये फैसला निगम की आम सभा में लिया गया। पिटकुल के प्रबंध निदेशक PC ध्यानी ने मीडिया को बताया कि इस वर्ष निगम को 142 करोड़ का लाभ हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ है 142 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और ये हमारा आज तक का पिटकुल के इतिहास में सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और इसमें हम सरकार को जो हमारी AGM में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निर्णय लिया गया है कि हम 11 करोड़ का लाभांश जो है सरकार को देंगे। इसके लिए जो है जो इसका सारा श्रेय जाता है वो हमारे प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनके द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया, हमारी मुख्य सचिव श्रीमती राजी जी और हमारे सचिव ऊर्जा साहब द्वारा समय समय पर जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसका श्रेय उनको भी जाता है और मेरी पूरी टीम को जो है इसका श्रेय जाता है। पिटकुल इस बार न केवल अपने कर्मचारियों बल्कि उपनल, PRD और SHG कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि देगा। उन्होंने कहा कि पिटकुल एक टीम के तौर पर काम कर रहा है, निगम अपने कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रख रहा है, ऐसे में हमें सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। पहले जो पिटकुल की दिशा में काफी कर्मचारी और अधिकारी जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आज वही लोग हैं एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हमने एक नारा दिया है एक के लिए सब और सबके लिए एक। दूसरा हमारा है वित्त विधि HR आपके द्वार। आज की डेट में हमारे किसी कर्मचारी जो कर्मचारी हमारा रिटायर होता है हम रिटायरमेंट में उसके जो है जितने उसके लीव का पैसा होता है उसका भुगतान करा देते हैं। एक हफ्ते अंदर उसके जो ग्रेजुएटी या जो GPF का पैसा होता है उसको भुगतान करा देते हैं। किसी भी कर्मचारी अधिकारी की जो पेंशन प्रकरण हमारे विभाग में लंबित नहीं है, इससे कर्मचारी में उत्साह रहता है